खबर वैशाली के मिर्जानगर गांव स्थित राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय मिर्जानगर से है, जहां पर बाल संसद ने वर्ग 8 के पास आउट बच्चों के लिए फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर बाल संसद के छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं बाल संसद के मंत्रियों ने विद्यालय में बाल संसद द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव पंकज कुशवाहा ने कहा कि बाल संसद विद्यालय का आईना होता है। मिर्जानगर स्कूल के बाल संसद पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उनके द्वारा की जा रही कार्य भी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के समय विद्यालय के बाल संसद द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई गई, जो छात्र छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी है। वहीं विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं ने वर्ग 8 के पास आउट छात्र छात्राओं को अनुशासित रहकर पढ़ाई करने की बात कही है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार आलोक, शिक्षिका सुधा कुमारी, संगीता कुमारी, आशा कुमारी, साजना परवीन, गीता कुमारी, रंजिता कुमारी, शिक्षक संजय कुमार, मोहम्मद अफजल हुसैन, शिव शंकर कुमार, अरविंद कुमार, मुकेश कुमार के अलावे प्रधानमंत्री लाडली परवीन, उप प्रधानमंत्री नेहा कुमारी, शिक्षा मंत्री सोनाली सिंह, सोलोनी कुमारी, सोनम कुमारी, सचिन कुमार, आंचल कुमारी, किशन कुमार, रजनीश कुमार, चांदनी कुमारी, गजाला परवीन, सनी कुमार, मनीषा कुमारी, सोनम कुमारी, संध्या कुमारी, श्रुति कुमारी, कुंदन कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पार्टी का आप लोगों ने आयोजन किया, निश्चित रूप से आदर्श मध्य विद्यालय मिर्जानगर के बाल संसद के द्वारा समय समय पर सरकार के मार्गदर्शन के अनुरूप कार्यक्रम हुआ। जैसे आप लोगों ने जब कोरोना काल में विद्यालय बंद था तो घर बैठे बैठे बच्चों को कैसे शैक्षणिक गतिविधि से जोड़ा जाए, तो आप लोगों ने बड़े ही बेहतर तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आप बच्चों के बीच शिक्षा पहुंचा दी। बहुत बड़ी काम आप लोगों ने उस समय किया। सैकड़ों बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ के उन्होंने अध्ययन किया। चारों तरफ हर अखबार में आपकी चर्चा चली।